चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द कर्व बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 1/XL के बीच में ग्राफ कैसा होगा? देखो जिस XL इज इक्वल टू क्या होता है, L ओमेगा होता है और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, तो XL इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई न्यू। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू न्यू या एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1/XL इज प्रोपोर्शनल टू 1/F होगा, करेक्ट है। तो अगर मैं एक्सएल 1/XL और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि जनरली तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, 1/XL और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पूछ रहा है, तो ग्राफ कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ये वाला। ठीक है, सी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।